अभी मैंने आपको इस पर दूसरी चीज कि प्रवेगी आपका भले आपके फ्लक्स एन नंबर क्यों ना हो, एक करोड़ क्यों ना हो, एक लाख क्यों ना हो, उसकी आने वाली वैल्यू कितनी मिलेगी? ई के बराबर, मतलब एक्स फोर्स के बराबर, बराबर इसके बराबर। लेट्स डिस्कस न्यू टॉपिक नोन एज मोशनल ईएमएफ, न्यूक्लियर रोटेटिंग रॉड। ठीक है, सो लास्ट हम लोगों ने कंसेप्ट में ऐसी चीज सीखी थी जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये हमारे क्या थे बेटा, बोलो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने एक किसको रखा, रॉड को रखा बेटा इस तरह से, और ये जो रॉड था हमारा कंडक्टिंग रॉड, ये कौन से वेलोसिटी से, बी वेलोसिटी से हम लोगों ने इसको क्या किया, मूव किया। तो बेसिकली जब इसको बी वेलोसिटी से मूव कराएंगे, इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, डेवलप होगा, और ये इंड्यूस ईएमएफ अगर इसकी लेंथ मान के चलो बेटा इतनी एल होगी, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ ई की वैल्यू कितनी बनी थी, बी एल बी, ये बना था हमारा इंड्यूस ईएमएफ। और इसका पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म हम लोगों कौन से वाले राइट हैंड पावर से डिसाइड किया जाएगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड हम किसको इंडिकेट करेगा, हमारी वेलोसिटी को, और हमारा काम इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल को। इसका मतलब ये कि ये हमारी कंडक्टिंग रॉड इस तरह से बिहेव की किसकी तरह, ये हमारे बैटरी की तरह, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हो सकता है कि अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगी। अब यही कंसेप्ट इस्तेमाल करके हम लोग इसी रॉड को क्या करेंगे, अभी क्या किया था, लीनियर वेलोसिटी से मुक्त रहेगा। इट मींस दैट ये जो हमारी कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए आगे जाएगी विद वेलोसिटी वी। लेकिन अगर यही रॉड क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है, तो भी कंसेप्ट क्या बनेगा, हमारी कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कट करते हुए रोटेट कर रही है। बात समझ में आई? तो इसी तरह से अगर मैं सीन डेवलप करूं तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं वो रॉड यहां पे क्या करता हूं, प्लेस करता हूं इस तरह से। ठीक, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लगी हमारी बेटा को रॉड है। ठीक है, अब इसका ये जो रॉड है यहां पर हम लोग इसको क्या किया, पावर किया इस तरह से। ठीक है, और पावर करके इस रॉड को क्या करेंगे, हम लोग रोटेट करवाएंगे इस तरह से। ये रहा इसका सर्कुलर पाथ, दिख रहा है सर्कुलर पाथ, तो इस सर्कुलर पाथ में हमारा रॉड क्या करेगा, रोटेट करेगा बेटा। तो यहां पे क्लियर कट सीन समझ में आएगा, आ रहा होगा कौन सा, कि हमारी रॉड क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए गोल घूम रही है। क्लियर है, और ये गोल घूमने की एंगुलर वेलोसिटी मान के चलो बेटा ओमेगा। अब इसमें जो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ये हम लोग दो तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, दोनों भी डेरिवेशंस आपके लिए काम के रहेंगे। जो भी जिस बोर्ड से क्या करता है, बिलोंग करता है उस बोर्ड में, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर जहां पे वो बोर्ड डिमांड करता है उस तरह से आप उसको क्या करना, पेपर पे लिखना। लेकिन दोनों में डेरिवेशन लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उस डेरिवेशन से हम लोग आने वाले न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये उसी डेरिवेशन से हमको समझ में आएगा। क्लियर, अब देखिए, तो मान के चलो बेटा इस रॉड की लेंथ एल है, इस रॉड की लेंथ एल है, और जब ये रॉड कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो कितना एंगल कंप्लीट करेगी, उसने कितना एंगल पार करेगी, ट्वाइस पाई। मान के चलो कि ये हमारी जो पूरी की पूरी रॉड है कंडक्टिंग रॉड, कुछ थीटा एंगल कंप्लीट करके यहां पे आ गई, मान के चलो यहां पे इस तरह से, कितना एंगल, थीटा एंगल, ये रही हमारी रॉड, और ये एंगल उसने कितना कंप्लीट किया, मान के चलो थीटा। क्लियर, अगर ये थीटा एंगल से पार कर रही है तो मुझे बताइए, अगर मैं इसे बोलता हूं कि क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, कट कर रही है, इसका मतलब ये कि यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होने के लिए क्या होना चाहिए, डी फाइव बाय डीटी होना चाहिए। माइनस साइन नहीं लगा था क्योंकि हमको पता माइनस साइन क्यों लगाया जाता है। ठीक है, सो व्हाट इज द डी फाइव बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही डेवलप करता है इंड्यूस ईएमएफ को। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा फ्लक्स का फॉर्मूला व्हाट इज बनेगा, फाइव डी बाय डीटी इंटू बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पे देखिए, जब मैं यहां पे एक चीज बोलता हूं कि ये जो आपका रॉड है ये कितने एरिया को शिफ्ट करते हुए जा रहा है, द रॉड इज रोटेटिंग बाय शिफ्टिंग एरिया ए। तो अगर एक रोटेशन करने के बाद इसने कितना एरिया शिफ्ट किया है, बोलो हाउ मच एरिया शिफ्ट बाय द रॉड, दैट इज पाई एल स्क्वायर। आपने ये बेटा यहां पे एल है तो क्या लिखोगे आप लोग, पाई एल स्क्वायर, बराबर है ना। तो यहां पे एरिया क्या हो रहा है, बोलो हर बार क्या हो रहा है, एरिया क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू एंगल। बात समझ में आई? अब मुझे बताइए, जो एरिया ये बना रहा है, इस एरिया के साथ आपके मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना, बी पर ए में मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रही है और हमारे पूरे एरिया का एरिया वेक्टर भी किधर है, अंदर है। इसका मतलब ये कि दोनों में एंगल कितना, जीरो डिग्री। तो यहां पर मैं हमेशा क्या लिखूंगा, जीरो डिग्री। ठीक है, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, द मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग हियर।
तो यहां पे हमारी चीज आ जाती है, बी निकला बाहर तो डी बाई डी टी इंटू एरिया हमको लिखना है, एरिया इज टू बी चेंज, एरिया क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। उसका एरिया देखो अभी थीटा एंगल पे कितना एरिया है, इतना एरिया जब 90 है उसने क्या किया, यहां से लेके यहां तक आ गया मान के चलो यार, तो कितना उसने एरिया बनाया, पाई एल स्क्वायर बाय 2, कंप्लीट रोटेशन हम करेगा तो कितना बनेगा पाई एल स्क्वायर, तो एरिया क्या हो रहा है हमेशा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो एरिया इज व्हाट इज दिस एरिया, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ एरिया क्या हो रहा है चेंज। अब यहां पे ध्यान देने का कि अगर मैं बोलता हूं 2 पाई एरिया, 2 एंगल मैं यहां पे लिख लेता हूं लगे तो आपके लिए, तो एरिया स्वीप बाय रोटेटिंग रॉड, क्या लिखा मैंने एरिया स्वीप बाय रोटेटिंग रॉड फॉर एंगल, क्या लिखा मैंने फॉर एंगल, कितना एंगल के लिए आपको लिखता हूं ट्वाइस पाई, अगर एंगल हो ट्वाइस पाई एंगल के लिए कितना बनेगा दैट इज पाई एल स्क्वायर, 2 पाई एंगल कंप्लीट करेगा तो कितना बनेगा पाई एल स्क्वायर, यहां मैं लिखता हूं 2 पाई को लिख दो 1 यूनिट एंगल के लिए कितना बनेगा पाई एल स्क्वायर बाय ट्वाइस पाई, यूनिट एंगल के लिए कितना पाई एल स्क्वायर बाय ट्वाइस पाई, तो एक एंगल के लिए एक यूनिट एंगल के लिए पाई एल स्क्वायर बाय ट्वाइस पाई, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता बेटा यहां पे लिखता थोड़ा सा इस साइड में, थीटा एंगल के लिए कितना एरिया बनेगा, तो ये पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, तो कितना रहा एल स्क्वायर बाय 2, ये एक यूनिट की हो गई, थीटा एंगल के लिए कितना एल स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा, तो थीटा कितना हो सकता 30 डिग्री 45 डिग्री, बस समझ में आ रही है पाई बाय 4 हो सकता है मतलब 45 डिग्री, बात समझ में आ रही है, तो थीटा के लिए देखो 2 पाई एंगल कंप्लीट करेगा तो थीटा के लिए कितना लिखोगे आप लोग ट्वाइस पाई, कितना लिखोगे ट्वाइस पाई, ट्वाइस पाई से 2 उसमें क्या हो गया आंसर, तो कितना बचा पाई एल स्क्वायर, वही तो लिखा था हम लोग, बात समझ में आई, तो बेटा यहां पे कितना एंगल स्वाइप हुआ है, कितना एंगल पे इतना एरिया स्वीप हुआ है, तो मैं ऐसे लिखता हूं दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू बी बाय सॉरी बी इनटू डी बाय डीटी इन ब्रैकेट एरिया की जगह पे कितना लिख रहा बोलो एल स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा, एरिया हमारी चेंज होने वाली है टाइम के साथ नहीं, क्या चेंज हो रहा है एंगल, थीटा एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन हमको पता है थीटा के अंदर छुपा होता है बेटा कौन ओमेगा बी, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बी इज ई इज इक्वल टू बी इनटू डी बाय डीटी इन ब्रैकेट एल स्क्वायर बाय 2 और थीटा की जगह हम लिखता हूं ओमेगा टी। अब याद रखिए बेटा कि यहां पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने क्या रखी कांस्टेंट रखी, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू बनती है बी निकला एल स्क्वायर निकला 2 निकला दैट इज 1 बाय 2 निकला और ओमेगा भी निकलता है बचता कितना बेटा टी डीटी बाय डीटी कितना आएगा 1, यानी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1 बराबर, तो कितना बना इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू 1 बाय 2 डी ओमेगा एल स्क्वायर, ये रहा हमारा इंड्यूस ईएमएफ, क्लियर है, इसका मतलब जितना इंड्यूस ईएमएफ बनता है तो बहुत से कैसे चीजें देखो यहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर कांस्टेंट रखे और लेंथ हमारे वायर को कांस्टेंट रखे तो यहां पे ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा इंड्यूस ईएमएफ, जितने जोर से आप क्या करेंगे आपका रॉड जो है क्या करोगे रोटेट करवाओगे उतने जोर से क्या डेवलप होगा उतने ज्यादा मैग्नीट्यूड का क्या डेवलप होगा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, उतना ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा इसके अंदर हमारे रॉड के अंदर, क्या इसमें से करंट फ्लो होगा बेटा, करंट फ्लो होने के लिए क्या होनी चाहिए सर्किट होनी चाहिए, जैसे कि हमारी एक क्या बनी एक सेल बनी, क्या सेल से करंट फ्लो हो रहा है तब तक करंट फ्लो नहीं होता जब तक उसमें हम लोग क्या नहीं लगाते वायर लगा के सर्किट डेवलप नहीं करते, तो क्या सेल के अंदर ये नहीं है बेटा है, अगर आप सेल हमारे घर में जाके अगर बैटरी ओपन करके उसमें सेल अगर रख लो आपको दिखाई देगा कौन सी चीज आपको लिखा होता है 6 वोल्ट 12 वोल्ट वगैरह वगैरह, इसका मतलब ये कि जब तक आप वायर लगा के किसी टॉर्च के लाइट को भी लगाते हो तब तक वो क्या नहीं दिखाई देता है कि उसमें करंट फ्लो लगा नहीं हुआ है बराबर, इस तरह से हमारा इंड्यूस मतलब इसको बताइए कहां पे ज्यादा कहां पे आपका हायर पोटेंशियल होगा और कहां पे लोअर पोटेंशियल होगा, वही सेम चीज रही मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, अब कौन से वेलोसिटी देखो ये पाम किसको सॉरी ये थंब किसको इंडिकेट करेगा वेलोसिटी को, उन्हीं में एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं यहां पे लेता हूं ये कौन से वेलोसिटी से टेंजेंट वेलोसिटी से जा रहा है आगे, तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ये देखो पाम का ये वाला पार्ट कौन से डायरेक्शन में इधर, इसका मतलब ये क्या रहा पॉजिटिव ये क्या रहा नेगेटिव, ये प्लस और माइनस इस तरह से इंडिकेट होगा। अब इसको दूसरे मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखो जो मैंने आपको बोला था कौन सी चीज कि ये जो रॉड है ये रॉड आपका इस तरह से बेटा किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहां पे क्या है पाइवेटेड है बेटा, पाइवेटेड मतलब यहां पे फिक्स किया है और ये सर्कुलर पार्ट में इस तरह से घूम रहा है लाइक दिस, ठीक है इसको थोड़ा सा इस तरह से निकालता हूं सीधा, ठीक है ये क्या कर रहा है और रोटेट कर रहा है इस तरह से ओके, और ये रहा उसका कौन सेंटर ये और ये आपका पॉइंट मैंने इसको बोला पी बेटा, ये
अब देखो ध्यान देना, इसकी लेंथ हम लोगों ने कितनी ली थी, एल ली थी, क्लियर। अब मैं यहां पे छोटे छोटे पॉइंट इमेजिन करता हूं, ये वाला एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया 1, 2, 3, 4। किसकी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी 1, 2, 3 या 4 की? बेटा ये पूरा का पूरा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, 1 की, 2 पॉइंट की, 3 पॉइंट की, या 4 वाले पॉइंट की? बेटा सभी की एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी, सेम। बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर ये वाला 1 नंबर का पॉइंट, 2 नंबर का पॉइंट, 3 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो कितना एंगल काम कंप्लीट किया उसने, 360 डिग्री। मान के चलो कि ये वाला फर्स्ट पॉइंट 2 सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब ये भी चौथा वाला पॉइंट भी कितने सेकंड में वापस आएगा, 2 सेकंड में। इसका मतलब ये कि सभी के लिए एंगल 360 डिग्री हो, सभी के लिए टाइम कितना, 2 सेकंड, या फिर 2π/2 लिख सकते हो। तो कितना उसको कितना लगा एंगुलर वेलोसिटी कितनी, तो हर किसी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, सेम। इसका मतलब जब भी कभी कोई भी रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा तो हर पॉइंट का, हर मॉलिक्यूल का एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, सेम, मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या होगी, एग्जैक्टली क्या होगी, सिमिलर होगी सबकी, क्लियर। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि 1 वाले की वेलोसिटी, 2 वाले की वेलोसिटी, 3 वाले की वेलोसिटी और 4th वाले की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कौन सी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसको मैं नाम दे सकता हूं v1, v2, v3 और v4। तो यहां पे क्लियर कर हो सकता है v1 इज स्मॉलर देन, v2 इज स्मॉलर देन, v3 इज स्मॉलर देन v4। सर ऐसे कैसे हुआ? बेटा हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स में कौन सी चीज सीखी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पे देखिए इसका रेडियस है बेटा r1, इसका रेडियस है r2, इसका रेडियस है, तो आपका r क्या हो रहा है, 1 से लेकर 4 तक क्या होता है, बढ़ रहा है। लेकिन सभी की एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, r बढ़ता है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूं v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। ये बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मैं सेंटर से लेके उसके एंड पॉइंट तक जाऊं तो इसका मतलब ये कि उसके लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होते जाए ग्रेजुअली, क्लियर। अब ये तो बात समझ में आई, अब आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखो मान के चलो बेटा इस पूरे डायग्राम में हम लोगों ने काम किया, यहां पे छोटा सा सेक्शन लिया जिसका मान के चलो बेटा लेंथ है, छोटा सा लेंथ है, डी आर, और ये छोटा सा एलिमेंट आपके सेंटर से लेके कितने डिस्टेंस पे है, आर। अगर आप यहां पे dx लिखते हो तो ये लेना है लेंथ x, या फिर dr लिखते हो तो ये लेना है r। समझ में आई बात? चलो अब dr जो है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए आगे जा रहा है वेलोसिटी में। अरे हाँ ना, मतलब ये जो सीन आपको दिखाया जा रहा है दिस सीन इज एग्जैक्टली सिमिलर दैट ऑफ दिस सीन, बराबर है। यहां पे देखो ये जो आपको l दिख रहा है, इस l के जगह पे मैंने क्या लिया है, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा लेंथ, कितना है वो dr। जब ये आपका l v वेलोसिटी से आगे जाएगा तो इतने लेंथ में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो कितना बनेगा, bl v के बराबर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखता हूं dr में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, dE, ओरिएंटेशन dE, फिजिक्स में dE किसको लगाया जाता है, dE किसको लगाया, स्मॉल क्वांटिटी को, दैट इज dE इज इक्वल्स टू b के जगह पे b, l के जगह पे क्या लिखो, कितना लेंथ इसका dr, और कितने वेलोसिटी से va। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हमारे को कौन सा निकालना, पूरे रॉड के लिए निकालना है, तो दोनों साइड का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा b dr into velocity, ओके। लेकिन हमको पता है कि इस b के अंदर क्या है, r into omega है, क्योंकि हर किसी पॉइंट का, अगर dr में यहां पे लिया होता, यहां पे लिया होता, यहां पे, यहां पे लिया होता, तो आपका dr की जगह पे सॉरी वेलोसिटी कैसे होती, हर किसी की अलग अलग होती। तो मैंने क्या किया, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू कितनी बनी, e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो इसका लेंथ रहा l, तो मैंने लिखा 0 से लेके l, तो दैट इज b into dr, और b के जगह पे लिखूंगा हम लोग r into omega, ओके। अब जो जो चीजें कांस्टेंट है वो चीजें आप लोग बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, बेटा बोल e is equal to क्या बाहर निकलेगा, b, मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, फ्लक्चुएशन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, मेरा निकला बाहर। स्टार्टिंग में मैंने बोला हर किसी पॉइंट का, आप यहां पे एलिमेंट लो, यहां पे लो, या कहीं पे भी लो, आपका ओमेगा कैसे होगा, सेम। इसका मतलब सेम का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट, तो ओमेगा भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन के अंदर बचा r into dr, आपका लिमिट रहा 0 से लेके l तक। सो देयरफॉर e की वैल्यू बनी b into ओमेगा r into dr का इंटीग्रेशन r square r into, और लिमिट मैंने पुट किया l और 0।
जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे सो देयरफॉर E is equals to 1 by 2 निकला बाहर, B into omega, एक बार L की जगह पे, R की जगह पे square, और एक बार 0, तो आपका फार्मूला बनाया किसका, induced EMF का, B omega L square. तो ये देखो दोनों भी इसमें सेम आपको रिजल्ट मिलता है, ये वाले डेरिवेशन में भी और इस वाले डेरिवेशन में भी, क्लियर? और दोनों भी आपके डेरिवेशन बड़े काम के हैं, इसके लिए आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, क्लियर? अब देखो इसी कांसेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस कांसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे किस तरह से, देखिए अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पहली चीज आप लोगों ने बताना, पहली चीज हम लोगों ने क्या किया, नंबर 1 कि आपने दैट पाइवेटेड द रॉड एट वन एंड, आपने रॉड को कहां पे पाइवेट किया है, पाइवेट मतलब फिक्स किया है, एक एंड पे फिक्स किया है, बराबर? जब किसी भी रॉड को एक एंड पे जाके हम लोग फिक्स करेंगे इस तरह से, और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, रोटेट करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरह जाएगी अंदर इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ई की वैल्यू बनी कितने बोलो, दैट इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर इसका लेंथ एल हो, ये बना था। और अब इसको मैं नाम देता हूं बेटा, मान के चलो इसका नाम मैंने दिया ओ और इसका नाम दिया मैंने मान के चलो क्यू, क्या नाम दिया क्यू। अब आपको बताना है यहां पे इस रॉड के लिए हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ओ होगा या क्यू होगा, कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर, आपका रोटेशन होगा ऊपर के डायरेक्शन में इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस, बाकी टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर होगी ऊपर, वेलोसिटी के डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा थंब, तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और उसके अपोजिट वाला रहा नेगेटिव टर्मिनल, बेटा यहां पे इस तरह से बनेगा ये सीन, तो ये रहा आपका कौन बेटा ओ और ये कौन रहा आपका क्यू। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो इंड्यूस ईएमएफ बना है मतलब ही वोल्टेज जो बना है, ये वोल्टेज दैट ई इज इक्वल्स टू, क्या मैं ई और क्यू लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं वी ओ माइनस वी क्यू, वही दूनी हो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी की वैल्यू नेट वैल्यू बनी कितनी 1/2, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे तो हमको ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? तो कितना बनेगा बोलो, दैट इज हां पोटेंशियल एट पॉइंट ओ माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, क्यों मैंने लिखा ऐसा समझ में आया, ये लिखना आना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर आपके सारे आगे के कांसेप्ट है, द हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बना हुआ नेट पोटेंशियल कितना बना 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये बात समझ में आई, सॉरी एल स्क्वायर, क्लियर है? अब आगे यदि मैं इस पाइवेटेड का क्या बोलते उसको पोजीशन अगर मैंने चेंज किया, मान के चलो बेटा इस तरह से नंबर बी पे लेता हूं, द रॉड पाइवेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, कहां पे पावर किया है, सेंटर पे पावर किया, मान के चलो बेटा ये रही हमारी एक रॉड, ठीक, इस रॉड का लेंथ मान के चलो है कितना L, कितना लेंथ लिया हम लोगों ने L, और उसके सेंटर पे हम लोगों ने पावर किया इस तरह से, क्लियर? अब सेंटर पे पावर किया इसका मतलब हमारी रॉड क्या होगी, गोल घूमेगी, तो ये रहा उसका रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन लाइक दिस, अरे हाँ ना, जब रोटेशन परफॉर्म होगा तो सर्कुलर पाथ दिखेगा आपको क्लियर कट, तो सेंटर कहां पे रहा, यहां पे O, इसका मैं नाम देता हूं बेटा P और इसका नाम देता हूं बेटा Q, ठीक है? अब मेरे मुझे बताइए कि आपका O से लेके Q तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या L by 2 लिख सकते हैं, और P से लेके O तक के डिस्टेंस को भी क्या लिख सकते हैं L by 2 लिख सकते हैं, लाइक दिस, बराबर? अगर मैं अच्छे खासे इस डायग्राम को देखता अच्छा खासा, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि आपका Q पॉइंट Q एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में शो कर रहा है, वो ऊपर के डायरेक्शन में लाइक दिस, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। सिमिलरली P वाला भी पॉइंट नीचे के डायरेक्शन पे क्या करेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी शो करेगा, ये बात समझ में आई। चलो अब हमको निकालना है, आपको पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V P Q की वैल्यू बताइए, हाउ मच द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड, या फिर आपको पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O Q, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O P कितना होगा, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? तो पहले तो हम लोग समझ लेंगे इस कंसेप्ट को, मैं रॉड इस रॉड के इतने लेंथ को लेता हूं, उसे लेंथ को O से लेके Q तक हाफ लेंथ को, तो अगर मैं इमेजिन करता हूं इसका सेंटर ये है और ये रॉड है बेटा, तो हमारा यहां पे पोटेंशियल इंड्यूस ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q, और हायर पोटेंशियल कौन सा रहेगा, सेंटर, सेंटर की तरफ, बराबर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है बेटा, लाइक दिस, तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, ये रहा आपका हायर पोटेंशियल, कितने सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये रहा वी ओ माइनस वी क्यू,
क्या इसकी वैल्यू बनेगी 1/2 बी ओमेगा लेंथ स्क्वायर। अब इसमें देखो रॉड का लेंथ भले ही आपका एल हो लेकिन आप कितने सेक्शन की बात कर रहे हो, कितने सेक्शन की बात कर रहे हो, इसका लेंथ कितना है एल बाय टू, तो दैट इज 1/2 बी ओमेगा, उस लेंथ की वैल्यू रहेगी 1/2 या फिर एल बाय टू स्क्वायर। तो कितना बना दैट इज 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर, तो आपकी वैल्यू बनी दैट इज 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यह रहा बी को माइनस बी क्यू, ये बात समझ में आई। चलो इक्वेशन नंबर वन। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो तो आप इसमें भी देखो अब हायर पोटेंशियल किधर होगा, बी पे होगा या ओ पे होगा, बी पे होगा या ओ पे होगा, पी पे होगा, ओ पे होगा, कहां पे होगा, पी वाले कितने लोग हाथ खड़े करिए, अरे करके तो देखिए, जब तक आप हाथ नहीं करोगे तब तक हाथ खड़ा नहीं करोगे, जब तक अपना हाथ टेढ़ा नहीं करोगे आपका हाथ खड़ा नहीं होगा। तो समझ लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रही वेलोसिटी, तो ये रहा आपका हायर पोटेंशियल। अभी भी आपका हायर पोटेंशियल किधर है, आपके सेंटर की ओर, मतलब बीओ माइनस बीपी की वैल्यू बनेगी कितनी, बोलो 1/2 बी, और ये ओमेगा, क्योंकि ये भी पोर्शन ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आपको ओमेगा हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा हर पॉइंट के लिए, इसको भूलना नहीं है। और यहां पे बनेगा आपका बोलो बेटा कौन, लेंथ इसकी उतनी एल बाय टू होल स्क्वायर, तो बना की मत देखो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय फोर, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा बी ओ माइनस बी पी इज इक्वल टू 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। अब मैं यहां पे सेल के डायग्राम निकालता हूं, क्या मैं इसे बोलू ये सेल इस तरह से है, ये वाला, ये कौन हमारा पी, ये कौन हमारा ओ, और ओ सेल के पीछे बोलो ये रहा, और दूसरा सेल ये रहा आपका को बोलो क्यू, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, क्या दोनों भी सेल एक मेक के साथ ऐड हो रहे हैं या दोनों भी एक मेक को अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। मान के चलो बेटा दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू देखिए, ये भी है मान के चलो, इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आई 6 वोल्ट, तो ये भी कितना बनेगा 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी इस 6 वोल्ट की बैटरी को क्या कर रही है अपोज, और दोनों का अगर मैं क्या करूं बोलो ऐड करूं, तो एडिशन के समय उनकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये कि दो एंड के साथ अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VPQ, तो VPQ मतलब कौन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P माइनस पोटेंशियल Q, इसको मैं सॉल्व करके बोलो ये लिखता हूं पहले दैट इज VO माइनस VQ माइनस VO माइनस VP, सो इज इक्वल्स टू VO माइनस VQ माइनस VO माइनस माइनस प्लस VP, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो बीक्यू पॉजिटिव और माइनस बीक्यू दैट इज बीपी माइनस बीक्यू। अब देखो ये इसकी वैल्यू कितनी बढ़ा हो गया, तो बोलो इसकी कितनी है वैल्यू, 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 1/8 बी ओमेगा, बाकी बीपी माइनस बीक्यू की वैल्यू कितनी बनेगी 0। इसका मतलब कोई भी रॉड अगर क्या करने लगे, रोटेट करने लगे, उसके दो एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी, दो एंड पे दिस टू एंड्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 0। क्या इस दो दो एंड को छोड़ के अगर इसकी बात करो तो पोटेंशियल कितना मिलेगा 1/8 डी ओमेगा। क्या ये फार्मूला बना है, नहीं, क्योंकि यहां पे मैंने लेंथ बेटा एल बाय टू लिया है, मान के चलो पूरे रॉड का लेंथ मैंने ट्वाइस एल लिया होता, पूरे रॉड का लेंथ ट्वाइस एल लिया होता तो इतना इतना लेंथ कितना बनता, फॉर्मूला क्या बनता है 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर, ये भी वैल्यू कितनी बनती मिलती 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर, उसको याद नहीं रखना कंसेप्चुअली उसको समझ लेना, दिस इज द फॉर्मूला 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर, याद है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े, अब दूसरी चीज देखो बी ओ क्यू हमने निकाला, बी ओ क्यू ओ क्यू कितना बनेगा 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर, अगर लेंथ में ए लिया तो 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर इतना बनेगा, बी ओ पी या फिर मैं बी पी क्यू पी ओ लिखता PO लिखता हूं, PO PO मतलब इसको मैंने पहले लिखा दैट इज, तो कितना बनेगा माइनस में आएगा, लिखते समय क्या इसमें लिखना पड़ेगा माइनस में, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े, अब इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको छाप लो पहले, तो निकालो फोटो निकालो, अब समझ लो कुछ चीज है, अब ये बात नोट करने वाले कौन से, देखो जो रॉड मैंने यहां पे लिया बेटा,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें, अगर ये समझ में आ जाए तो आने वाले न्यूमेरिकल आपको बहुत ही इजी तरह से आपको आप सॉल्व कर पाओगे, जैसे नीट लेवल की भी और जेई लेवल की भी और जेई एडवांस की भी हो। ठीक है, अब जो मैंने रॉड लिया बेटा इस तरह से, इस रॉड में यहां पे हम लोगों ने ओ लिया था, यहां पे पी लिया था, यहां पे क्यू लिया था। क्लियर है, मान के चलो ये रॉड था, ये सेंटर मान के चलो इस तरह से, ये हमारा कौन है सेंटर, इसको मैंने ओ बोला, यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग क्यू बोलेंगे। ठीक है, अब हमको पता है कि इस रॉड में अगर मैंने सेंटर यहां पे लिया है जिसका लेंथ मान के चलो एल अगर लिया हो तो यहां पे क्लियर कर दिखता है पोटेंशियल ओ इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू। इस साइड में अगर मैं लेता हूं सेम डिस्टेंस पे कितना है एल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट पी, तो क्या है सिक्सर पोटेंशियल इज ग्रेटर दैन पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज ग्रेटर दैन क्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ये समझ में आई बात, क्लियर है ये बात समझ में आई। अब मान के चलो बेटा कि ये लोअर पोटेंशियल पे और ये हायर पोटेंशियल पे है, एग्जांपल के तौर पे ये जीरो पोटेंशियल पे है और ये 6 वोल्ट के पोटेंशियल पे, तो मैं ओ से लेके क्यू तक जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहां पे लेंगे, यहां पे लेंगे मैं एक पॉइंट यहां पे लेता हूं ए और यहां पे लेता हूं बी, तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा ए पे या बी पे, ए पे ज्यादा होगा बी पे कम होगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर कम होगा और क्यू पे क्या होता जाएगा और बढ़ते जाएगा। ये बात समझ में आई, याद है समझ में आया। दूसरी चीज, आप जो एल ले रहे हो ये एल कहां से कहां तक ले रहे हो, जिस पॉइंट पे आपको ऑब्जर्व करना है वहां से लेके एक लेंथ वेक्टर एलिमेंट मतलब सॉरी क्या बोलते उसको वेक्टर लाइन ले रहे हो, कहां से लेके एक एंड से लेकर उसके सेंटर तक। अब सेंटर मतलब उस पॉइंट पे जहां पे आपका क्या है पाइवेटेड है और आपका वर्क क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका रोटेशन का। तो याद रखना है, मान के चलो मैंने किसी भी शेप का रॉड लिया हो लेकिन जब डिस्टेंस लेने की बात है एल लिखने की बात है तो एल कौन सा लेना है उस वाले एलिमेंट से लेके उसके पाइवेटेड पॉइंट तक का वेक्टर लाइन मतलब स्ट्रेट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट लाइन लेनी है, याद रखिए बात। चलो आगे, अब इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मान के चलो इसमें हम लोगों ने कौन से कितने पॉइंट लिए हमारे दो पॉइंट्स में एक ए और एक बी। अब सी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सी पॉइंट हम लोग लेंगे दैट इज ईएमएफ ई ड्यू टू साइकिल रिंग, क्या लिया हम लोगों ने साइकिल रिंग विथ यहां पर लिख लेता दैट इज विथ एन स्पर्स, क्या हुआ टेलीग्राम को है ई ड्यू टू साइकिल रिंग विद एन स्पोक्स। ठीक है, आप देखो ध्यान देना, हम लोगों ने बताया यहां पे जो एक रॉड लिया था इस तरह से, मान के चलो ये वाला रॉड, ठीक, इस रॉड में यहां पे लिया हम लोगों ने सेंटर जिसका हम लोगों ने बोला था ओ, और यहां क्या लिया था बोलो क्यू और यहां पे लिया था कितना पी। ठीक है, नेट ईएमएफ कितना मिला टू एंड्स में सही हो, और इतने एंड में कितना मिला मान के चलो अगर मैंने लेंथ कितना एल लिया है इतना मिले एल, तो इतने पोर्शन में इंड्यूस ईएमएफ कितना मिलेगा 1 बाय 2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, मतलब ये एक बैटरी और ये अलग सी बैटरी लगी। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे हम लोगों ने उतने ही लेंथ का एक और रॉड और ये एक दूसरा रॉड लिया। ठीक है, इसका नाम मैंने दिया मान के चलो इसको हम लोग एक्स और इसको वाई बोलेंगे, और एक रॉड लिया बेटा इस तरह से, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको नाम दिया जेड, इसको और एक रॉड लिया बेटा यहां पे इस तरह से, इसको मैंने नाम दिया कौन सा मान के चलो यू, इसको बोला मैंने टी। क्लियर, और सभी रॉड के एंड्स हम लोगों ने इस तरह से जोड़ दिए लाइक दिस, तो क्या बनेगा आपका, क्या बना आपका एक साइक्लिक रिंग बनी, जैसे आपके साइकिल का चक्का होता है जिसमें क्या होता है एन नंबर ऑफ क्या होते हैं स्पोक्स होते हैं, तो ये स्पोक है और ये आपका ओ क्या है उसका सेंटर, और हर किसी का स्पोक का एक एक लेंथ किसके बराबर है एल के बराबर मान के चलिए। अब इसका नेट ईएमएफ और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर जा रही है अंदर के डायरेक्शन, मतलब पूरी मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर के डायरेक्शन में जा रही है लाइक दिस। ठीक, अब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा मान के चलो कि हम लोगों ने बोला कितने स्पोक्स दिख रहे बेटा, कितने बैटरीज यहां पे आपको दिखाई दे कितने,
ये बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार, पांच, छह, सात और आठ, आठ स्पोक्स है, मतलब n का नंबर रहा कितना, n = 8, तो कितने बैटरी आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने, आठ बैटरी। तो अगर मुझे बताइए एक बैटरी का इंड्यूस ईएमएफ, मतलब यहां से लेके इसका लेंथ अगर मैं एल बोलता हूं, और ये पूरा आपका रिंग का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो एक स्पोक का इंड्यूस ईएमएफ बनेगा 1/2 बी ओमेगा आई स्क्वायर। राइट, अगर ये एल बाई टू होता तो 1/8 बी ओमेगा आई स्क्वायर बनता, जबकि इसका हालांकि लेंथ इतना लिया, फिलहाल अभी हम लोगों ने एल लिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1/2 बी ओमेगा आई स्क्वायर। अब आठ आपके इंड्यूस ईएमएफ, मतलब आठ बैटरियां यहां पे क्या बनकर डेवलप हुई, बराबर, आठ सेल्स क्या हुए, डेवलप हुए। तो आपके सामने दो क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्या सर इसका इंड्यूस ईएमएफ 8 टाइम्स ऑफ 1/2 बी ओमेगा आई स्क्वायर बनेगा या नेट वैल्यू बनेगी जीरो, ये दो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है, इसको समझ लेंगे अच्छे से, देखो कैसे होता है। अब समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं सिर्फ इतने रॉड को इमेजिन करूं बेटा, तो हमको एक बात पता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट, इसका नाम मैंने पी दिया था, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, क्या सही बात है, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अलग है, लेकिन दो एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम, द पोटेंशियल एट पॉइंट टू एंड्स ऑफ द रॉड इज ऑलवेज सेम, इसी वजह से क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, बराबर है। क्या मैं ऐसे बोलूं कि सिमिलरली ये भी उतना होगा, vx vy vt vu इक्वल टू बोलो V Z, V और कौन बचा V V V चलो हाँ V V S लक्ष्मण, हाँ कितने बने सभी के पोटेंशियल, तो इसके जो सर्कल पर जो आपके पॉइंट मिल रहे हैं ये सभी के पोटेंशियल क्या है, सेम, इसका मतलब क्या ये पूरे एक इक्वी पोटेंशियल का पॉइंट शो कर रहे हैं यहाँ, राइट, और जैसे मैं सर्कल पर से अंदर के ओर जाऊं, मतलब सेंटर के ओर जाऊं, तो आपका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैंने पहले बोला सेंटर की तरफ जाते समय आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बाहर निकलोगे एंड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बराबर बेटा। क्या मैं ऐसे बोलूं कि सभी में यहां पे जो सेल बना है, मतलब ये हायर ये लोअर, बराबर, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, ऐसे कितने सेल बनेंगे, आठ। और क्या मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये सभी सर्कमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे उसका पॉइंट अगर मान के चलो मैंने पी बोला, कितना बोला है पी, तो क्या ये पी पॉइंट और सभी सेल का, देखो सभी सेल के एक एक पॉइंट, एक एक एंड कौन से पॉइंट को अटैच है, पी पॉइंट को, और सभी सेल का दूसरा वाला टर्मिनल किसको अटैच है, ओ, तो ये वाला रहा आपका ओ, तो बेटा क्या ऐसे सेल दिखा दे रहा है, हायर पोटेंशियल कौन सा होगा, ओ हायर 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 हायर, ये लोअर 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 लोअर, ठीक है, तो आपके यहां पे देखो सभी के सेल, सभी सेल्स किसमें दिखाई दे रहे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे, सभी का ईएमएफ कितना है ई, और ई की वैल्यू कितनी निकाल के रखे हम लोगों ने, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो आप इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा बेटा, याद रखिए सभी सेल सेम वैल्यू के सेल अगर पैरेलल में लगा दिया जाए, देखो यहां पे दोनों का देखो पैरेलल कैसे है, सेम, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या सीखा कि सभी के आपस में पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होगा, इसका मतलब भले ही आपके आज से यहां पे डेवलप हुए हो लेकिन उसका नेट कॉम्बिनेशन क्या बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हायर कॉम्बिनेशन को समझना पैरेलल, तो सभी का पैरेलल होता है, ई नेट की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, ई के बराबर, व्हाई बिकॉज ऑल द सेल्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस, सो व्हाई बिकॉज सभी कैसे मिल रहे हो, सभी का होगा तो इस तरह सबको आता है, तो मुझे कैसा है सेम मिलना है, बराबर है, तो E की वैल्यू बनी, तो सभी का नेट इफेक्ट, अगर आपका स्पोक्स भले ही आपके 1000 एक लाख स्पोक्स अगर वहां पे होते होंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सभी स्पोक्स अगर ओमेगा स्पीड से गोल घूम रहे होंगे तो उसकी ई नेट की वैल्यू, मतलब ई की वैल्यू किसके बराबर, बी हाफ वन बाय टू बी ओमेगा स्क्वायर के बराबर बनेगी, समझ पाई बात, कितने भी हो इसका मतलब अगर आपको पेपर में पूछा जाए वहां पे 16 है स्पोक्स, 15 है स्पोक्स, 18 है स्पोक्स, तो क्या होगा, कितने भी हो उसके लेंथ के ऊपर, उसके ओमेगा के ऊपर, उसके बी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका इंड्यूस ईएमएफ, बराबर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े बेटा, अगर हम लोगों ने स्पोक्स की वैल्यूज को बढ़ाते 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 एक और स्पोक्स लगा दिए बिल्कुल पास 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 में,
तो अगर पास पास में हम लोगों ने अरेंज करना शुरू कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने डेवलप किया, तो बेटा क्या ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे लेके जाता हूं ऊपर के डायरेक्शन। तो सभी स्पोक्स, अगर सभी स्पोक्स को बनाना शुरू कर दिया तो ये सभी स्पोक्स किस में आएंगे, बहुत पास पास में आएंगे। बेटा अगर बहुत ज्यादा पास में आएंगे तो ये फाइनली क्या बनते जाएंगे, डिस्क बनेगी। क्या बनेगी? डिस्क बनेगी। और ये उसका क्या रहेगा? सेंटर। और ये उसका क्या रहेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कितने वेलोसिटी से गोल घूमेगा? घूमेगा। और इसका मतलब इस डिस्क का हर एक पार्टिकल कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, गोल घूमेगा, ओमेगा। मान के चलो एल के जगह पे अब हम लोगों ने लिया कितना आर। तो मुझे बताइए, अभी मैंने आपको स्टेटमेंट बोली कौन सी चीज, कि भले ही आपके स्पोक्स एन नंबर्स क्यों ना हो, एक करोड़ क्यों ना हो, एक लाख क्यों ना हो, उसकी आने वाली वैल्यू कितनी मिलेगी? ई के बराबर, मतलब एक स्पोक के बराबर। बराबर किसके बराबर? एक स्पोक के बराबर। तो मुझे बताइए फटाक से क्या होगा इसके लिए आंसर, कितना होगा? आप यहां पर कितने स्पोक्स बने हैं बोलो? इंफाइनाइट। एन की वैल्यू किसके बराबर? इंफाइनाइट। तो कुछ फर्क करेगा क्या? तो आने वाला इंड्यूस ईएमएफ यहां पे जो डेवलप होगा बेटा, कहां पे? एक से लेके सेंटर की ओर कितना बनेगा बोलो? 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर। और ये r, r इज अ रेडियन। बहुत बढ़िया। तो कांसेप्ट आपका बहुत बढ़िया से डेवलप हो गया। बस समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। अब आगे, अब और एक कांसेप्ट यहां पे हम लोग डेवलप करेंगे, कौन सी चीज? मान के चलो, ठीक है, मान के चलो कि हमारा यहां पे हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया है लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड रही, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने यहां पे इस तरह से ये एक रिंग लिया, और ये क्या उसका सेंटर। और इसमें उसने एंटर किया बड़ा कितना थीटा पर, उसने क्या किया है एंटर। अब रेडियस इसका मान के चलो कितना है? आर। ठीक। अब ये जो रिंग है ये क्या करते हुए जाएगी? बोलो, कट करते हुए क्या जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए अंदर जाएगी। अब गोल घूमने की स्पीड भी कितनी होगी इस पर अंदर जाने की? ओमेगा। क्लियर? तो मुझे बताइए इसका क्या बनेगा? तो आपको पूछा गया है कि इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा जब ये थीटा एंगल पार करते हुए जाएगा, मतलब थीटा एंगल पार किया एंटर करते समय, एट दैट इंस्टेंट कितना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, बताइए कैसे निकालोगे? बेटा अगर ये कंप्लीट रोटेशन पार किया होता तो कितना एंगल बना होता है? 23 का। 23 का तो कितना एरिया उसने स्वर्व किया है? तो अगर 2 पाई एरिया, 2 पाई एंगल अगर ये क्या करता, कंप्लीट रोटेशन करता, तो कितना एरिया स्वर्व करता? दैट इज पाई आर स्क्वायर। यूनिट एंगल के लिए कितना होता? उठा के लेके जाइए पाई आर स्क्वायर बाय 23 का। तो कितनी वैल्यू बनती? पाई का एरिया कैंसिल, आर स्क्वायर बाय 2। अब थीटा एंगल पार के इस वाले शेप ने, अब मैं ऐसा ना बोलूंगा उसका सेमी सर्कुलर रिंग, मैंने बोला शेप ने, तो इसने कितना एंगल पार किया? थीटा। तो थीटा एंगल के कितना बनेगा? r स्क्वायर बाय 2 * थीटा। तो आपका एरिया कितना? एरिया द स्वाइप स्वेप्ट बाय द सेमी सर्कुलर रिंग फॉर द एंगल थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? r स्क्वायर बाय 2 * थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर बाय 2 * ओमेगा t। तो बेटा फटाक से बोल, इंड्यूस ईएमएफ ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? इधर लिख रहा हूं, बोलो कैसे लिखोगे? ई इज इक्वल टू क्या लिखता हूं? फैराडे साहब ने क्या बोला? डी ओमेगा बाय डी बाय बाय डी थीटा डी बाय डी टी। आई को वैल्यू पे क्या लिखोगे? बी ए कॉस 0 लिखना पड़ेगा। बेटा इसका एरिया देखो, ये जो एरिया बना है, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? अंदर, बिकॉज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर and the magnetic field is also going inside the plane of paper, both having the angle how much? 0 degree with each other. So cos 0 की वैल्यू कितनी बनी? 1। बेटा magnetic field निकली d बाहर, एरिया की जगह पे कितना एरिया उसने पार किया? बोलो हां, दैट इज d by dt in bracket r square by 2 into omega t। बेटा अगर इसका बाकी सारी चीजें निकाल लियो बाहर, तो दैट इज 1 by 2 b की जगह पे b, omega हमारा क्या है? constant। r square भी क्या है? constant। बचा क्या है? t। d by dt into t is how much? 1। तो आपका फॉर्मूला क्या बना? 1 by 2 d omega। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो कौन सी चीज, आपने लिया रॉड, आपने लिया क्या? डिस्क। आपने लिया कौन? एक साइक्लिक रिंग। एक आपने क्या लिया? सेमी सर्कुलर रिंग। भले ही कौन सा भी आपका क्या हो, शेप हो,
आपके आने वाला फॉर्मूला जो बनता है दैट इज डी ओमेगा 1 बाय 2 बी ओमेगा आर स्क्वायर या 1 बाय 2 बी ओमेगा एस स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी कोई कौन सा भी शेप का ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, रबर लेके प्लास्टिक का रिंग लेके करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो उसका फाइनल रिजल्ट मिलने वाला वही होगा जो हमने निकाला। इट मींस दैट नोट करके रखिए कौन सी चीज कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डजंट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आता क्लियर वाला कंसेप्ट, आगे बढ़े चलो। ओके सो अभी जितने भी कंसेप्ट है कि उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे उसके ऊपर के क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले तो कंसेप्ट समझ लीजिए, जो कंसेप्ट हम लोगों ने अभी देखा उसी के आधार पे कंसेप्चुअल पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे जो यह एक पॉइंट यहां पे दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर और इसके अराउंड में हमारा एक रॉड रोटेट कर रहा है। ये जो रॉड है इसका एंड है बेटा यहां से लेके यहां तक पीक्यू एंड आपको दिखा जा रहा है। तो आपके पॉइंट ऑफ डायरेक्शन से मतलब आपके पॉइंट ऑफ सेंटर से ये जो एंड रहा ये एंड आपका दिया है ए, सेकेंड एंड आपका दिया है कौन सा बी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन पे जा रही। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड। इंड्यूस ईएमएफ मतलब जिसका वोल्टेज निकालना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। पहली चीज तो ये हमको समझनी पड़ेगी कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट रहेगा और लोअर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट। अब अभी तक हम लोगों ने जो आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन लिया था वो कहां पे था, रॉड के ऊपर था, एक तो एंड पे था या सेंटर पे था कहीं और पॉइंट पे था। यहां पे आपका पॉइंट दिख रहा है कहां पे, आउटसाइड ऑफ दी रॉड, मतलब ये हमारा एक नया टाइप भी बन सकता है। सी के बाद ये हम लोग इसको डी वाला भी पॉइंट बोल सकते हैं, ये हमारा कौन सा ई वाला पॉइंट है, ई भी डी वाला टाइप बोल सकते हैं। दैट इज द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन इज आउटसाइड ऑफ दी रॉड। तो क्या करोगे, तो पहले तो समझ लो यहां पे कभी भी ऐसे इस तरह के क्वेश्चन देखिए हमको ये समझने पड़ेगी बात थोड़ी सी कि हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट रहेगा। तो मैंने बोला कौन सी चीज कि अगर आप पूरा रॉड लिए होते तो आपके सेंटर पे दैट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन पे क्या होता, मैक्सिमम हायर पोटेंशियल होता। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इसका मतलब ये आपका रोटेशन इस तरह से कर रहा होगा, दैट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या रहा उसका विरोध, हायर पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव टर्म में पाएगा और ये नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव कौन सा हायर पोटेंशियल माना जाता है, नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वीपी कैसा है हायर पोटेंशियल और बीक्यू कैसा है लोअर पोटेंशियल। हो सकता है इसका पोटेंशियल मान सकते हैं उसको 8 वोल्ट और ये हो सकता है 2 वोल्ट। तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 6 वोल्ट, यहां पे एक सीरीज बनी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालोगे, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू वीपी माइनस वीक्यू इज इक्वल टू, किस तरह से बनेगा बोलो। हां कहां से कहां पर लोगे, इसके दो मेथड है। अब दो मेथड कौन से वाले, एक इंटीग्रेशन वाले मेथड मैंने आपको इनिशियल में बताई और दूसरे कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस वाला कांसेप्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, बोलो कौन सा करोगे। चलो पोटेंशियल डिफरेंस वाला यहां पे वीपी दिख रहा है वीक्यू दिख रहा है, ठीक है। हम लोगों ने जो लिया था आज कांसेप्ट उसके आधार पर चलेंगे, देखो दैट इज वी और माइनस वीपी, मान के चलो पूरा रहा अगर यहां तक हुआ होता तो क्या बनता है, वी को माइनस वीपी बराबर है। तो v को माइनस vp की वैल्यू कितनी बनती, बोलो 1 by 2 b ओमेगा a स्क्वायर, तो इसका लेंथ कितना बेटा a, दैट इज 1 by 2 b ओमेगा a स्क्वायर। और इसका वाला अगर ले होते तो कौन सा दैट इज v को माइनस vq की वैल्यू कितनी बनती, 1 by 2 b ओमेगा b स्क्वायर। तो अब देखो आप हमको निकालना क्या है, vp माइनस vq बराबर है। तो मैं ऐसे लिखता हूं vp माइनस vq, लिखते समय अगर यहां पे p पॉजिटिव में आना चाहिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज v o माइनस v q माइनस v o माइनस v p बराबर है। तो v o ये माइनस v o कैंसिल, माइनस माइनस v p प्लस ये माइनस v q, समझ में आई बात। तो बेटा बोलो कितना बनेगा, हां इसमें से ये माइनस की तो क्या बनेगा बोलो, हां v o माइनस v q की वैल्यू कितनी है बोलो, v o माइनस v q ये कितना रहा, दैट इज 1 बाय 2 b ओमेगा b स्क्वायर माइनस e की वैल्यू कितनी, ये वाली 1 बाय 2 b ओमेगा a स्क्वायर, इसमें से कॉमन निकलेगा कौन सा, दैट इज 1 बाय 2 b ओमेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस समझ में आई। अब इसको इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कहां से कैसे करोगे बोलो, ठीक है जरा तो नहीं यहां पे सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। तो बोलो आपका रॉड कहां से कहां इंड्यूस ईएमएफ, बोलो हां इंड्यूस ईएमएफ इसके लिए
बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू किसके लिए बोलो, इसका लिमिट कहां से कहां होगा बोलो, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखोगे आप लोग बोलो, हाँ आपका पूरा वायर कितने वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, ओमेगा, ओमेगा मतलब कितना कितना होगा, इसका मान के चलो कितना लेंथ है इसका, हाँ आर लेंथ मान के चलो या फिर एल बोल सकते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ बी ओमेगा, बी ओमेगा हाँ आर स्क्वायर, तो उसमें से कितना सेक्शन लेना पड़ेगा छोटा सा सेक्शन, कितना रहेगा छोटा सेक्शन डी आर, ये डी आर का सेक्शन लोगे और ये dr जो सेक्शन लिया आपने इस dr से एक काम करेंगे इसको dr बोलेंगे इस पर इतना लेंथ लेंगे r, टोटल लेंथ मान के चलो l है हमारा, ठीक है, तो हां बोलो de की वैल्यू b ओमेगा dr, b ओमेगा v, b l v सॉरी b l v बराबर है, सो e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b बोलो b * dr, b की वैल्यू क्या लिखोगे r * v, बहुत बढ़िया, so e is equal to omega, ठीक है, बोलो कौन कौन सी चीजें कॉमन निकलेगी हमारी, b निकलेगी कॉमन, omega निकलेगी कॉमन बराबर, हाँ उसके बाद integration of r into dr, क्योंकि r हमारा क्या है dr की सबसे क्या है change, integration a से लेके b तक, so therefore e की वैल्यू रही b omega, अब बोलो r square by 2 limit कहाँ से कहाँ पे b, बहुत बढ़िया 1 by 2 निकला हुआ है b omega, एक बार b एक बार l that is b square minus किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, सिमिलरली एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यहां पे जो लिख के दिया है ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मैथ 2013 में, जेईई मैथ 2013 और इसमें क्या बोला गया था देखो इसको पहले कुछ छाप लीजिए ये वाले क्वेश्चन किसको रेफर कर रहा है, ठीक है, ठीक तो पेपर में बोला गया था कि ये आपका क्या है दैट इज पिवोटल पॉइंट, ये आपका सेंटर रहेगा इसको मान के चलो ओ, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है बेटा ये पूरा का पूरा पोर्शन है वुड से बनाया गया है, इसका मतलब ये कि ये पूरा कर सकते हैं ये पूरा लेन नॉन कंडक्टिंग है, और ये जो दिया है इसमें कॉपर कोटेड है, ये क्या है आपका कॉपर से कोटेड है, तो कॉपर से कोटेड इसका मतलब ये कि ये क्या है कंडक्टिंग, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा ये कौन से एंड पे बनेगा, ये वाले और ये वाले एंड पे बनेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और ये रोटेशन इस तरह से कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे बराबर मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी ऐसे तो बोलो सॉरी वेलोसिटी ऐसे हायर तो नहीं निकल होगा ऊपर जरूरी नहीं कि हमेशा किधर हो नीचे, ठीक है, अगर मैं इसको किस तरह से रोटेट किया तो चलो आपकी तरफ हां इसके कन्वेनेंस के हिसाब से इस तरह से करेंगे, बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर वेलोसिटी इधर देखो टेंजेंशियल फोर्स इधर होगी ना, हां नीचे क्या होगा हायर पोटेंशियल, तो आपका इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैंने बोला बी, तो बी ए माइनस बी बी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बी ए माइनस बी बी, बोलो कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, इंटीग्रेशन वाले, अब इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा लिमिट कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, बोलो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना बेटा बोल ट्राई सेल, कहां तक ट्राई सेल तक, तो लिमिट कितना रहेगा ट्राई सेल से ट्राई सेल बराबर, या फिर ये वाली मेथड बोलो ये वाली मेथड अपन सॉल्व करेंगे, इसको लिखता हूं इधर सेम इसको नाम चेंज कर लेंगे, यही नाम देंगे बेटा कौन सा वाला बोलो, इसका नाम देंगे हम लोग हायर पोटेंशियल कौन सा दैट इज p, इसको बोला मैंने q, ये इधर बोल रहा है लाइक दिस, ठीक है, बोलो vo माइनस vp, vo माइनस vp हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, कितना डिस्टेंस है बेटा बोलो सेंटर से लेके ट्वाइस है, टोटल कितना है ट्वाइस ही है बेटा l, ये कितना है ट्वाइस है, तो क्या लिखोगे बोलो 1 / 2 स्टैंडर्ड फार्मूला 1 / 2 b ओमेगा इन अ ब्रैकेट ट्वाइस एल होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू बनेगी 4 का स्क्वायर 4 4 बाय 2 दैट इज ट्वाइस बी ओमेगा एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक, अब ये वाला बोलो ये पूरा का पूरा दैट इज बी ओ माइनस बी क्यू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 1 बाय 2 बी ओमेगा लेंथ का स्क्वायर, कितना लेंथ बेटा बोल, ठीक है, अपन एक काम करेंगे इसको कट नहीं करेंगे 1 / 2 रहने देते हैं, 1 / 2 लिया लिखा मैंने कितना 4, ठीक है 1 / 2 भी हमारे बाबू वहां कितना है 9 सॉरी ट्वाइस एल स्क्वायर, कितना बनेगा 1 / 2 बी ओमेगा बी का स्क्वायर 9 एल स्क्वायर बराबर,
आप बोलना है उस किसमें से कौन माइनस करेगा कि आपको वीपी माइनस वीक्यू मिलेगा, वीपी माइनस इसमें से ये माइनस करोगे बराबर है, तभी जाके वीपी माइनस वीक्यू मिलेगा। सिर्फ अभी इसके पहले मैंने सॉल्व करके दिया, तो बेटा इसमें से कॉमन बोलो, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, बी ओमेगा एल निकलेगा स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 9 और वहां पर लिखिए आपके नोटबुक में इंटीग्रेशन से मतलब सॉल्व करके दिखाएगा मुझे, ठीक है। चलो आगे, अब यहां पे देखिए सेम वहां लिया है, यहां पे लिया है कौन, दैट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, सेंटर लिया है उसका रोटेशन का, पूरी रॉड की लेंथ दिया बेटा कितनी l, ये दी है लेंथ कितनी l/2, ये लेंथ दी है कितनी l/2, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है कौन सा p, जो आपके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे l/2, और q पॉइंट कितने डिस्टेंस पे l/2 ये रे कितने डिस्टेंस पे l डिस्टेंस पे। आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन p एंड q निकालिए। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाइए, आपका पूरा वायर इस तरह से गोल घूम रहा है, हाई पोटेंशियल बताइए कौन से पोजीशन पे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऊपर जाएगा, हर एक पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर होगी, तो ये वेलोसिटी ये रहा हायर का। तो अगर मैं तीन पॉइंट लिखता हूं तो सर क्यू पी और आपका ओ, तो मुझे बताइए बी ओ इज ग्रेटर देन बी पी इज ग्रेटर देन बी ओ, बहुत बढ़िया, क्या तक समझ में आया। तो आपको क्या निकालना है, बी पी माइनस बी क्यू निकालना है, ये वाले दो पॉइंट के बीच में, हो सकता है ये 10 वोल्ट, हो सकता है ये 4 वोल्ट, हो सकता है 2 वोल्ट, ये 4 है ये 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 4 - 2 = 2 वोल्ट। आपको उसका निकालना है, कैसे निकालो, इसको भी आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो, कौन सी मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं बी ओ हायर माइनस लोअर, क्या बनेगा, तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो एल की वैल्यू कितना, सेंटर से लेके डिस्टेंस कितना, एल बाय 2 होल स्क्वायर, कितना बनेगा बेटा बोल, that is 1/8 b omega s, similarly b o minus b q, इसके रिस्पेक्ट में लेना हमको, इसके रिस्पेक्ट में आपने ऐसा करना है डायरेक्ट, इसको v p minus b q ये गलत हो जाएगा, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया v p minus b q से डायरेक्ट सॉल्व करता हूं 1/2 b omega l by 2 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है सर, l by 2, खत्म, रॉन्ग हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में लेना है, तो ओके ही रिस्पेक्ट में लेना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। तो बोलो बेटा क्या बनेगा, बी ओ माइनस बी क्यू इज इक्वल टू बोलो, हां 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, कितना बनेगा, अब इससे क्या निकलेगा, बीपी माइनस बी क्यू, बीपी माइनस बी क्यू के लिए इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, तो बीपी माइनस बी क्यू करने के लिए इसमें से ये माइनस किया, तो इसमें से बोलो मतलब बी ओ माइनस वी क्यू माइनस वी ओ माइनस माइनस प्लस वी पी, इसमें से ये माइनस किए, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो वी पी देखो पॉजिटिव है, देखो सेम, समझ में आया ना, इसका मतलब सिग्नल में डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करते हैं, बोलो वी ओ माइनस वी क्यू की वैल्यू कितनी रही, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस ये बोलिए 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 8, इसमें से निकलेगा कॉमन कौन बोला बोल, इधर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ऊपर बोलो, हाँ इज इक्वल टू, हाँ 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर इन ब्रैकेट 4 माइनस 1 3, तो सीधा सीधा ब्रैकेट में 3 लिखता, दैट इज 3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, बस समझ पाए। अब देखो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर पे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के, अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोल देंगे, देखो ध्यान देना, एक रॉड दिए है ओ से लेके ए तक, ओ से ए नॉन कंडक्टिंग है, और उस नॉन कंडक्टिंग मान के चलो वोल्ड की वगैरह बनी हो जाती, प्लास्टिक की बनी होगी, और ये आपको जो रेड कलर की दिख रही है पेपर में, रेड कलर का नहीं होता है बोला जाएगा उसमें मेंशन के, मैंने निकाला आपके लिए, ठीक है। और ए से लेके बी तक ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टिंग है, और पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन ए और बी, मतलब एक तो बी ए माइनस बी बी निकालना पड़ेगा या फिर बी बी माइनस बी ए निकालना पड़ेगा, और याद रखिएगा क्वेश्चन में ये है आपका क्या रोटेशन, पॉइंट ऑफ
प्रोटेक्शन ये दिया है। अब आपको समझना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, कि हायर पोटेंशियल ए होगा या हायर पोटेंशियल बी होगा। देखिए बेटा ये जो दिया है ये आपका क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन में उसको उसने मेंशन किया, मैंने शॉर्टकट में दिया है आपको, ठीक है कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो ये है आपकी सेमी सर्कुलर रिंग, ये रेडियस कितना है आर, ये भी कितना है आर, ए और बी का डिस्टेंस कितना है ट्वाइस आर, उसका रेडियस है आर। इसका मतलब सेमी सर्कल को अगर ये आपकी लाइन देखता हूं, इस लाइन को मैं क्या टेंजेंट लाइन बोल सकता हूं, क्या बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है बेटा तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। मान के चलो इस ओ से लेके ए वाले लेंथ को मैंने एल मान के चला, और मैंने अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियल बिटवीन ए और पोटेंशियल बिटवीन बी, मतलब पी बी और बी बी और डी ए निकालने के लिए हमने अभी के क्वेश्चन में क्या देखा, जो भी पोटेंशियल निकालना हो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ओ के रिस्पेक्ट में, ओ मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन। जब पॉइंट ऑफ रोटेशन की बात आती है तो उस ओ से लेके उस पॉइंट ऑफ उस पॉइंट तक मतलब ए तक लेंथ पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए। बेटा ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस पता है कितना है एल, क्या आपको ओ से लेके बी तक पता नहीं है, तो इस लाइन को मैं जोड़ देता हूं लाइक दिस, तो आपका यहां पे बना ओ ए बी क्या बना है राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी क्या दिखा दे रहा है, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा होता है ओ से बी साइड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब बी आपका ओ से क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, और ए कैसा है पास में है। मैग्नेटिक अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर अगर हर एक पोर्शन ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसा कोई घूम रहा था, ऐसा अगर कोई घूम रहा था हर एक पॉइंट क्या करा ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, तो ये क्या रहा हायर पोटेंशियल। तो ए बी और ओ में हायर पोटेंशियल अगर कंडक्टिंग रहा होती तो हायर पोटेंशियल कौन शो करता, ओ के बाद कौन आता उसके पास वाला पॉइंट ए, तो बी ए क्या होगा बीबी से क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब हमको बी ए माइनस बीबी निकालना। अब बची हुई बात कौन सी सर, हमको ओ बी नहीं पता, बेटा ओ बी निकाल सकते पाइथागोरस का इस्तेमाल करके, बोलो कैसे बेटा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओ बी को ओ ए स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस ए बी इज व्हाट ट्वाइस आर होल स्क्वायर। तो ये अपन यहां पे रख रहे हैं, ठीक है आगे देखिए। अब तो बोलो v क्या निकलना है, बी ए माइनस बी बी, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, बी ए माइनस बी बी निकालने के लिए v को माइनस बी बी माइनस v को माइनस बी ए ये पता होना चाहिए। तो v को माइनस बी बी कैसे निकालेंगे, v को माइनस बी बी निकालने के लिए हाँ और बहुत बढ़िया हाँ हाफ बी ओमेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, बी का बात कर बी की बात कर रहे डिस्टेंस मतलब कौन बी का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू 1/2 बी ओमेगा ओबी की वैल्यू कितनी रही है कितना एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर सॉल्व करने के बाद। सिमिलरली बी ओ माइनस बी ए टू का स्क्वायर इज हाउ मच फोर आर स्क्वायर, क्या हुआ ओबी स्क्वायर की वैल्यू निकालो बेटा हम लोग 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर दैट इज ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर होल स्क्वायर दैट इज 4 आर स्क्वायर, करेक्ट है बेटा ठीक है। बी ओ माइनस बी ए इक्वल्स टू बोलो 1/2 बी ओमेगा डिस्टेंस देखो कौन सा है ओ ए स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर ना क्या है ओ ए स्क्वायर, सो देयरफॉर BO minus BA is equal to 1/2 B omega L square। अब यहां पे देखो डालना पड़ेगा वैल्यू, तो बेटा डालो कैसे डालोगे यहां पे लिखता हूं ठीक है, असल में बोलो BA minus BB इस इक्वेशन को लिखा BO minus BB ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इस दोनों में से क्या निकलेगा कॉमन हाफ B omega square निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा रहेगा कौन सा L square plus 4 R square माइनस कर रहे ना अपन माइनस एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया बचा कितना 4 r² 1/2 तो क्या क्या बनेगा दैट इज ट्वाइस ई ओमेगा आर स्क्वायर ये रहा आपका बी ए माइनस बी समझ में आया क्लियर हो गया ये क्या बना आपका बी ए माइनस क्लियर। अब इसका मतलब हमारे कंसेप्ट तो क्लियर हो गए कहां पे बेटा
डी ओमेगा, ये कॉमन निकला है ये, ठीक है ठीक है। चलो आगे, सो और एक क्वेश्चन लगे हम लोग यहाँ पे, सो यहाँ पे दिया है फोर पॉइंट और इस तरह से ये क्या कर रहा है बोलो, रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये दिया है पॉइंट पी, ये दिया है पॉइंट क्यू और आपका यहाँ पे दिया है कंडक्टिंग रॉड इस तरह से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही अंदर। अब क्लियर कर दिखता है ये एंगल उन्होंने दिया है कौन सा, 60 डिग्री, ये डिस्टेंस दिया बेटा एल और ये भी डिस्टेंस दिया एल, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, इक्विलेटरल एंगल बनेगा, बहुत बढ़िया। अब आपको पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पी और क्यू निकालना। अब यहां पर अगर जनरल कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ओ से लेके क्यू पॉइंट भी एल डिस्टेंस पे है, ओ से लेके पी पॉइंट भी एल डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल कितना बनेगा, दोनों भी सेम पोटेंशियल पे होंगे, सेम डिस्टेंस पे है, नेट वैल्यू बनेगी जीरो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो बनेगा जीरो, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं सॉल्व करके देता हूं, विश्वास है क्या, सॉल्व करके ना दू देना पड़ेगा ना बेटा, सॉल्व करके ना देखो, दैट इज हम लोग वी ओ माइनस वी वी मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसा गोल घूम रहा है मतलब हर एक आपका और उधर जा रहा है, दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, इज इक्वल टू बोलो 1 बाय 2 वी ओमेगा, पी के लिए डिस्टेंस कितना है रोटेशन से, दैट इज एल स्क्वायर, अब बोलो वी ओ माइनस वी क्यू 1 बाय 2 वी ओमेगा, डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल कैसा निकला सेम, अगर मैंने लिखना है कौन सा वीपी माइनस वी क्यू, इसका मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी जीरो, और आंसर रहेगा सी, क्लियर है। अब हर किसी शेप का आप निकाल सकते हो लेकिन एक ही याद रखना, कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन से उस एंड तक का डिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ओके। सो ये जो क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, दैट इज जे लेवल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो अभी तक हम लोगों ने कांसेप्ट देखा उस कांसेप्ट के आधार पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने देखा बेटा कि यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस दिया है ए और यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसको अपन नाम देंगे चलेंगे कौन सा सी, और सी पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ, ये क्या रहेगा दैट इज पॉइंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे हम लोग मान के चले कुछ एक पॉइंट डालेंगे, पूरी धरी यात्रा भी रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ओके। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एंगल दिख रहा है दैट एंगल सबटेंड विद दिस रेडियस अप टू द पॉइंट सी फ्रॉम ओ, दैट एंगल इज थीटा, ओके। और बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, तो पहले तो हमको यहां इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा बेटा, अगर ये पॉइंट यहां पे होता कौन, दैट इज ये सी पॉइंट यहां पे होता तो दोनों का डिस्टेंस डी से ओ तक और ए से ओ तक का डिस्टेंस सेम होता, तो हम लोग देख पाते कि ये डॉट क्या है सेम डिस्टेंस पे क्या है आपका बोलो। अब देखो याद रखना मैंने क्या बोला, सेंटर पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा या पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, पॉइंट ऑफ सर्कुलेशन, तो ये मैंने लाइन जोड़ दी बेटा देखो सी से लेके ये वाला और ये लाइन मैंने इस तरह से जोड़ दी डी तक, तो आपको दिखाई दे रहा पॉइंट ऑफ रोटेशन से इनके ये जो डिस्टेंस से कम है ये जो डिस्टेंस से ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है जब डिस्टेंस चेंज होगा तो यहां पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेंगे दोनों के क्या होंगे अलग अलग होंगे। अब कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हायर पोटेंशियल देखना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल ए है या हायर पोटेंशियल डी है, तो मैंने रखा यह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये लाइन, ये थंब किसको दिखाएंगे हम लोग, अब ये जो देखो ये वाला जो है क्या बोलो इस तरह से मान के चलो रोटेशन परफॉर्म करा तो ये वेलोसिटी बनेगी इस तरह से, या ये पकड़ो इधर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऐसे करो बराबर है, तो ये जो नीचे दिख रहा है ये क्या है हमारा हायर पोटेंशियल, क्या फिर आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ये हायर पोटेंशियल दिख रहा है, इसका मतलब ये सी पॉइंट के पास सी ए क्या है हमारा हायर पोटेंशियल पे, उसके पास में जो रहेगा ए या फिर डी उसमें से जो पास में रहेगा वो हायर पोटेंशियल पे रहेगा, तो ए हमारा क्या है हायर पोटेंशियल, डी क्या है लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग क्या निकालना है वी ए माइनस वी डी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, उसमें से हमको डिस्टेंस ये दिया बेटा ए, ये कितना होगा ये भी होगा ए और ये भी कितना होगा ए, अब देखो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का एंगल अगर थीटा हो ठीक है, तो हमने टेंथ में सीखा होगा आपने सीखा होगा कौन सा, तो ये जो एंगल होता है कहां से लेके उसके इस वाले पॉइंट से मतलब डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट मतलब सेंटर से लेके इस वाले पॉइंट पे ये एंगल कितना बनेगा थीटा बनेगा, कितना बनेगा थीटा बनेगा, अब देखो इस वाले पॉइंट से यहां पे जो एंगल बना है ये कितना एंगल बनेगा दैट इज 90, क्लियर है। अब ये अगर 90 बनता है तो AD Q
की वैल्यू कितनी बनी ट्वाइस के, ये हमको पता नहीं है एसी, ये हमको पता नहीं है कौन सी डी, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल यूज करके। कौन सा ट्रायंगल बोलो, दैट इज ट्रायंगल बोलो ए सी डी में हम लोग बोल सकते बेटा कौन सी चीज, बोलो एसी, एसी दिख रहा है, ये बीसी कौन सी साइड है भाई, थीटा है जो कि कौन सी साइड है बेटा, अपोजिट साइड है, तो बोलो क्या बनेगा, दैट इज sin थीटा / 2 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड दैट इज एसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज ट्वाइस ए, तो एसी की वैल्यू बनी एसी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए sin थीटा / 2। सिमिलरली ये जो साइड आपको दिख रही है सीडी, क्यों लिखा है सीडी, क्योंकि हमको पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेके इस वाले पॉइंट तक हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो सीडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीडी का हमारा थीटा / 2 का adjacent side, तो adjacent side मतलब कौन सा, cos theta / 2 is equal to adjacent side is what cd upon hypotenuse is what twice a, तो cd की value भी निकली, cd is equal to twice a cos of twice a cos of theta / 2, ये दो चीजें निकली, बहुत बढ़िया। चलो सर अब आगे बताइए, तो कैसे निकालेंगे ये potential difference, तो मैंने आपको potential difference निकालने के तरीके बताए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने va minus vd, तो क्या निकालेंगे हम लोग, v higher potential that is vc minus vd, ये पहला निकालना पड़ेगा, minus va के लिए बोलो that is vc minus va, अगर सॉल्व करेंगे तो को minus vc plus vc get cancel, minus minus plus va minus vd, तो va minus vd आ गया, अब vc minus vd कैसे निकालेंगे बोलो, vc is higher potential vd is lower potential as compared, बराबर कैसे निकालेंगे vc minus vd, तो हां बोलो वो हमका हमारा फार्मूला that is half v ओमेगा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d के लिए डिस्टेंस का कौन सा, ये वाला cd स्क्वायर, c d c अरे cd स्क्वायर माइनस इसका बोलो r v ओमेगा vc माइनस v, ये वाला दैट इज c a स्क्वायर, अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे कॉमन half v ओमेगा cd स्क्वायर माइनस c a स्क्वायर, cd स्क्वायर की वैल्यू twice a cos theta / 2 का होल स्क्वायर दैट इज twice a cos theta / 2 का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज व्हाट दैट इज twice a sin theta / 2 का होल स्क्वायर, ये बना ठीक है। चलो आगे मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, बोलो बेटा इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू half b ओमेगा, बोलो twice a होल स्क्वायर और ये माइनस twice a होल स्क्वायर, ये क्या निकलेगा कॉमन, ये बना यहां पे निकला दैट इज twice a होल स्क्वायर, इन ब्रैकेट क्या बचा बोलो cos square theta / 2 cos square theta / 2 minus इसको क्या लिखेंगे that is sin square theta / 2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर is 8 4 / 2 is how much 2 that is twice a square b omega, अब ये क्या होता है cos square theta minus sin square theta, याद होगा आपको, हां cos square theta minus sin square theta ये बनता है that is cos 2 theta, am I right, क्या होता है cos square theta minus sin square theta वाली होता है cos 2 theta, theta की जगह पे क्या दिख रहा है theta / 2, theta की जगह पे क्या है theta / 2, ये क्या बनेगा into cos 2 theta / 2 into ये तो क्या बचा आपका cos theta, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा बेटा twice a square b omega cos theta, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा va minus vd, क्लियर है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का, ये तो मैंने आपको दोनों ही तरीके सिखा दिए, एक इंटीग्रेशन वाले मेथड और एक पोटेंशियल डिफरेंस डिस्क्रीट मेथड, दोनों ही मेथड आपको सिखा दिए, क्लियर है, चलो